आज मेरे हाथ में है ये शादी का कार्ड और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, नीचे जो मालिक मकान है उनकी शादी का कार्ड है, इतना जाना जरूरी नहीं है, समझी तुम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप लोग बीवी का खर्चा उठा सको तो शादी करो, नहीं तो रोजे रखो। ठीक है, इतने कंगले से रोजे रख दो। कहने का मतलब क्या आपका, मैं झूठ बोल रही हूँ? होते नहीं होते, एक टूट भी जाता इश्क में तो एक टूट। हाँ, तुम्हारी जो हो गई है तो मुसीबत। अबे यार मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारे कान इतने पतले हैं। महंगा लग जाएगा तुम्हें। शॉपिंग ना हो रही तो फिर खैर मनाना, क्योंकि आपने मुझे जिस टाइम का वादा किया था आपने वो टाइम नहीं पूरा किया। ठीक है, आप लेट ले लिए सारा पानी नहीं पिया। ये पे प्यारा लग रहा है, मगर अब ये भी नहीं ले रही तो प्यारा लग रहा है। भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तबाहियाँ फेर रहे हैं। उठा के लाओ मुझसे भाई, सर ड्रामेबाज पर्सन है। ये रो रही है मेरी बच्ची, ये कह रही है मुझे दिला के दें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब वेलकम है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जनाब आज मेरे हाथ में है ये शादी का कार्ड और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शादी जो है ना वो कभी कभी आती है, ठीक है? तो मेरे पास जो है ना चीजें वीजें हैं कोई नहीं। क्या मैं पहन के जाऊंगी, क्या मैं जूता पहनूंगी, क्या मैं कपड़े पहनूंगी, कुछ पता था नहीं है। तो मैं जाके ना अपने मियाँ को बोलूंगी कि ये देखो मेरे से फोन छीन रहे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? शादी, ये शादी का कार्ड किसी तेरे रिलेटिव का नहीं है, हमारे जो ठीक है नीचे जो मालिक मकान है उनकी शादी का कार्ड है, इतना जाना जरूरी नहीं है, समझी तुम? अच्छा, हमको सिखा रही है? नहीं, हमारे रिलेटिव रहते हैं दूर दूर, ठीक है? तो फिर उनकी शादी में अभी जो है ना बहुत टाइम है। ठीक है, मेरी बहन की शादी आ रही है पंजाब, तो मैं उधर लेके चलूंगा। ठीक है, वो तो आएगी सो आएगी, वो तो चलो जाएंगे, मगर ये वाला जो कार्ड है ना ये मैंने जरूर जाना। मैंने शादी के और फंक्शन की पहले मेरी कम्प्लीट होने दे। शादी के और किसी फंक्शन की खुशी इतनी नहीं होती, मगर जो वहाँ पे जाके आप खाना एंजॉय करते हैं ना, वो आप भले से किसी भी रेस्टोरेंट में खा लो वो मजा नहीं आता। शादी कुछ ऐसे है, कमेंट में बताना आप लोग आता है कि नहीं आता। बात कुछ ऐसे है, इन लोगों ने ठीक है एक से डेढ़ घंटे का जो फंक्शन अटेंड करना है, इन लोगों ने मेरे काफी ज्यादा पैसे लगवा देने हैं। मैं ये चाह रहा हूँ मेरे पैसे नहीं लगे, इन लोगों को मैं बाहर से खाना एक दिन का खिला दूंगा। ठीक है, नहीं आप कितने कंजूस आदमी है, देखो वो हम लोग बचा के संभाल के कपड़े जूते रख देंगे, छोटी ईद पे पहन लेंगे। छोटी ईद पे, ठीक है, ये मुझे सही चूना लगा दिया, छोटी ईद के नाम पे पहले से दो तीन सूट ले लिए हुए। ठीक है, गजब बेइज्जती है। वो भी पहन रही है, चार पाँच छह जितने भी ले लिए हो ये छोटी ईद पे, लेकिन वो पहनती है। ऐसे जब ड्रामेबाज है आप लोग भी ड्रामेबाजी नहीं करती हो। ईद के बाद तो पहनने वाला होता ना, तो ईद के बाद पहनो भाई। मैं कह रही हूँ अभी आप हमें शादी के कपड़े दिलाएं, जूते दिलाएं, ज्यादा ना दिलाएं, एक एक ही दिला दे, मगर ये चलो कपड़े भी ना दिलाओ, मुझे कपड़े भी ना दिलाओ, जूते दिला दे। चलो ठीक है, सेलने सेलने दिलाओ। मेरी बात सुनो, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, रात को फिर चलते हैं। रात को कौन सी रात आएगी, आप जिस टाइम आओगे नहीं। आप लोग भी ठीक है, अपने मियां का खर्चा मत करवाया करो, आपको पता है हालात इस टाइम कैसे चल रहे हैं, देख लो हमारे मुल्क के किस तरह के हालात है। पैसे बचा के रखो, राशन में पूरे करो। एक बात है, अबे चुप कर जा यार। नहीं मेरी बारी, अबे चुप। नहीं मेरी बात सुन रहे, मेरा व्लॉग है। अच्छा, मेरी बात सुन रहे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप लोग बीवी का खर्चा उठा सको तो शादी करो, नहीं तो रोजे रखो। ठीक है, इतने कंगले से रोजे रख दो ना, गजब बेइज्जती है। बेगम को चलो, सही है, ठीक है। अच्छा शाम को चलेंगे, खर्चा शाम को चलेंगे इंशाल्लाह। शाम भाई तुम लेट आते हो, मैंने काम पे जाना, अभी शाम को चलेंगे। सही, आप साथ में जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह, तेरा बहुत मजा आने वाला। किस टाइम तक आओगे आप बताओ? आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। एक तो मेरी तुम करने वाली आदत है ना, सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं आप बोला करें, आप जनाब बोला करें। मैं कोशिश कर रही हूँ भाई आप जनाब बोलने की। चले सही, आप आप हमें बोला गया। आप असल में मुझे ठीक है, ये आप नहीं कहती, तुम भी कहते, हम एक ना एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं ना। ठीक है, आपको मेरा जिगरी दोस्त है। Nice. आपको पता है दोस्तों में, ठीक है, आपको पता है चीजें चलती है, आपे तू ये वो सारा कुछ चलता रहता है। बिल्ला नीचे चूं चूं कर। और ये हमारा इधर तकी बिल्ला, तकी बिल्ला भी आती है, मेरा जो ना कामों के वाट लगा दिए हैं। तो इस वजह से हम एक दूसरे को दोनों ने ठीक है ओए तू अबे करके बोलते होते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा ही हो गया काम खराब कर दिया, मसला खराब। अरे यार ये नया कंबल था, नए कंबल के ऊपर ये देख लो, ये तकी बाबू ने गिरा दी। अभी देखो पता नहीं खराब होता है सही होता है, बस ऐसे ही होगा, अभी अकड़ा अकड़ा हो जाएगा सही। ठीक है, तो भाई अभी मेरी बात सुनो। और आप लोग ना कचरा वचरा इग्नोर करना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अभी हमको नाश्ता बनाना है, खाना है और घर से मिलना। अब बात सुनो भी, ठीक है, आप नाश्ता बनाओ और मैं अभी ना जाके ना मुस्तफा को ले आऊँ, मुस्तफा की तो तबीयत खराब थी, उसका पेपर था, अभी मैं स्कूल से लेने जा रहा हूँ। ठीक है, आप नाश्ता बनाओ। सही, हाँ नाश्ता बनाती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर दे जो हमें, और हमारे ऑर्डर मत माना करो। ठीक है, नाश्ता बना दे। नाश्ता बनाने में कौन से ऑर्डर है भाई, सारे बना के देते अपने मियाँ को। तकी बाबू क्या है यार, शोर क्यों कर रहा है, क्या कर रही? सब लोग ना अपनी वाइफ को शॉपिंग भी करवाते हैं, आप जो है ना मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं 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 क्या कर रही है।
अच्छा जी, पराठा बना रही हूँ। पराठा वो अवन लगाने के चक्कर में जो है ना वो फेल हो गया। क्यों, क्या हो गया? वो आधी रोटी आधा पराठा रह गया, क्योंकि वो आधा अवन ऑन नहीं हो रहा था तो मैं अंदर गई। तुम्हारी जबान काफी फिसलती है आजकल। है कहने का मतलब कि आपका मैं झूठ बोल रही हूँ? गर्मा गर्म नाश्ता खाना मैं सब पंगिया ना लगाया। हर बंदे को पता है तुम कितना का खाना बना के मैं घर का देती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो जहाँ के पिज्जे, जो जहाँ की कढ़ाइयाँ, जो जहाँ की दालें, जो जहाँ की सब्जियाँ, इस तरह की चीजें बना के देती है। रोटी वगैरह ना, सालन वगैरह कभी बना के देती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नहीं और कोई आपने जो है ना, और आपकी तो बेगम है, वो आपको बना के देती। काश कहीं ऐसा होता। कैमरे के सामने इस बंदे से कुछ भी कर लो ना, मुझे बोलता कुछ नहीं है। दो सच पूछो, सीने में होते नहीं होते, एक टूट भी जाता इश्क में तो, एक टूट भी तकलीफ ना चुप होती। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जीने में तकलीफ ना होती जीने में। पानी से इतना चिड़ता है, इसके ऊपर ऐसे कतरा भी डाल दो ना, ढूंढने के लिए हो जाता है। मगर यकीन करो, कैमरे के सामने इसकी प्रिंट कर दो, इसके सब पंडा फोड़ दो। अबे पहले कौन से बाल है मेरे, थोड़े से बाल है, ज्यादा बाल ही नहीं यार। पहले भी लोग आगे आगे कहते हैं कि भाई बाल किधर के, भाई बाल कम है क्या करें, ये देख रही थे तो माशाल्लाह ज्यादा है ना। अबे पीछे का इतना ही काफी है। तकी अच्छा ये देखें जी, ये कोशिश कर रहा है चेयर के ऊपर चढ़ने की, और माशाल्लाह से ये, और ये तकी हमारा माशाल्लाह से कामयाब हो चुका है। वाओ वाओ क्या बना नाश्ते का, बन नहीं रहा है, क्या हो गया? अबे जल्दी करना, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैंने निकलना। और मुस्तफा हमारे की तबीयत थोड़ी खराब थी। मुस्तफा की कैसी तबीयत है? मोबाइल लेना है, ओए मोबाइल लेके तबीयत सेट होगी, ड्रामेबाज। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। आज हम शॉपिंग में जाएंगे। शॉपिंग में तुम लोग लूटो बाप को, ठीक है? तुम लोगों का माँ का भी यही काम है और तुम लोगों सबका यही काम है, लूटो। मैं गरीब हूँ। शादी में जाना, शादी ऐसे तुम लोग के बाप की हो रही है, बाप की शादी के ऊपर तुम लोग की माँ को ऐसे चिढ़ होती है ना। तुम लोग साथ मिलकर बाप की दूसरी शादी करवा दो, मेरे दोस्त की हो रही है, अपने बाप की भी करवाओ। अच्छा तुम लोगों का टाइम अभी दूर है, अभी बाप की करवा रहा हूँ, अम्मा को बोल के सही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। हाँ तुम्हारी जो हो गई है तो मुझे तो कुछ। अबे यार मजाक कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम्हारे कान इतने पतले हैं, महंगा लग जाएगा तुम्हें। क्या डंडा हमारा रेडी है, लाइट फिर बंद हो चुकी है, लाइट का कोई अता पता नहीं कब आने वाली है, जल्दी से ना ले आओ। 1000 years later वेलकम बैक, हो गया जी तुम लोगों का 8 बजे 8 बजने वाले, ठीक है? हमसे वादा किया था इन लोगों ने किस टाइम का, 6 बजे हम घर में पहुंच जाएंगे। हाँ आपको भी गुस्सा आ रहा है और मेरे घर को इग्नोर करना है, क्योंकि अभी बाहर जाने वाली सिचुएशन हो रही है, तो इसलिए सब ने कपड़े चेंज करके यूं डम डम फेंक दिए, ठीक है? ये आके मुझे उठाने पड़ेंगे, अगर मैं ये अब उठाऊंगी तो फिर और लेट हो जाऊंगी, और जाऊंगी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है, आ गया हूं मैं ना काम छोड़ के। बहुत इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है, बहुत देन है आपका मेरे ऊपर, ना किया करें इतनी एहसान। छोड़ दो मुझे नहीं पता, वो अगर मेरी शॉपिंग ना ना हुई तो फिर खैर मनाना, क्योंकि आपने मुझे जिस टाइम का वादा किया था आपने वो टाइम नहीं पूरा किया, ठीक है? आप लेट आए हो यार, आ तो गयो ना। चलो अभी ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बाजार की तरफ चलेंगे, मुझे पक्का नहीं लग रहा कि मेरा काम होगा, पक्का लग रहा है कि मेरा काम नहीं होगा। ओ भाई बात सुन, तुमने जूती लेनी है, बच्चों ने कपड़े लेने, हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लेना। मुझे मॉल से जूतियां लेनी है और इसको चेयर से कपड़े लेने, कैसे मैनेज करोगे अब तुम्हारे? हां भाई हो जाएगा, ना टेंशन है भाई, क्या हो गया तेरे को? मैंने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं बता रही हूँ आपका, आपने मेरा काम ना किया तो मैं बात नहीं करूंगी आपके साथ। चल ना करना बात, खुश है? तुम तो खुश है, बात नहीं करना, खुश है आप इसी चक्कर में? खुशी मनाएंगे, खर्चा नहीं होगा, नहीं बात नहीं करेगी, खुश है? खर्चा मैं फुल कराऊंगा भाई, डरने की तुम लोगों की जरूरत नहीं है। कहती है बात नहीं करनी तो बोलो मत। 2000 years later तो अभी इधर से हम लोग अभी यहाँ की शॉपिंग करने लगे हैं। कहाँ है वो? तकी बाबू की भी करे, तकी बाबू तकी बाबू कैसे चल रहा है माशाल्लाह? तकी बाबू मस्ती कर, तकिया छोड़ भी छोड़, ये माशाल्लाह तकिया भी तो काफी दूर तक आए। क्या कह रही हो? वाइट में नहीं, पिंक में। ये सही था, ये ना मुझे सही लग रही है। कहाँ गई हो मैडम, कहाँ है? ये भी अच्छा है ये वाला, मगर बहुत ज्यादा प्यारा ये वाला। ये देखो ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा वो कहाँ है, उसको बुलाओ ना। वो तो बिया को बुलाना, मियाँ की शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे, और
बिलाल साहब पसंद करें, बिलाल साहब को आराम से पसंद नहीं आती चीज है ना। लेकिन मैं कौन सा कर रहा, मुझे तो ये सही लग रहा है, ये भी अच्छा है, ये कर लें। और फिर इसके ऊपर जैकेट बनानी पड़ेगी, ये वो उसको देखोगा ना। वो इधर है तकी, तकी इधर आओ। आखिरकार हम लोग मॉल आ ही गए हैं, अब देखते हैं कि हमें जो है ना वो हमारी चीज़ मिलती है नहीं मिलती। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सजावट का प्रोग्राम हुआ हुआ है, और नीचे देखो ये जो है ना बसें, किस किसने जाना है बस में बैठ के चलो आज। और ये देखो जनाब बहुत अच्छा जो है इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। और मियाँ जल्दी कर लो, जल्दी दिला दो मुझे। हाँ सुनाओ, अभी ना ये ना बंद हो जाए, ठीक है मॉल आ जाओ शाम को। बंद हो गया ना कुछ तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं पहले बता दूं। टाइम पे लेके टाइम चेक कर लिया, टाइम चेक कर ले। तो चलो जनाब चलते हैं हम, जल्दी जल्दी भागते हैं और जाके जाना। क्या 9:30 में लेके आ गए, देख हैं जबरदस्त। इसका मतलब है मुझे दाद देनी चाहिए कि मैंने जल्दी शॉपिंग की। जी जी माशाल्लाह। हां खास नहीं लग रही, क्या कह रही हो? पसंद करवाते नहीं हो आप, तो फिर कहते हो खास नहीं। बस जो पसंद आती है ले लो बस। नहीं अच्छी लगी ना? अबे नहीं कर रही। चलो फिर अभी क्या, और साइड पे देख लो, उधर आके देख लो। ये बड़ी जरूरी जगह है, हाँ साइज इनका ना, भाई पाँव भी बहुत बड़ा है ना। क्या कह रही है? 40 है दिखाओ। जूती ले ली है? सारा पानी नहीं पी जाना, मामा के लिए पानी छोड़ना। अभी उठा के तो क्या कर रही है? अभी मामा गुस्से में बता दो तुम्हें, मामा गजब बेइज्जती है। गुस्से में पहले बता दो, फिर ना बोली बताया नहीं। मुझे कुछ लेके दे, कौन सी जूती पसंद कर लो। ये तो औरतों की सारी ना, जैसे मौके पर मांग रहा है। ओके कंफर्टेबल है, उम्र है मगर इन बाप बेटों को कोई समझ नहीं आ रही क्या लें क्या नहीं लें। भाई आपको पसंद आ गया? समझ आ भी गई, समझ आ भी गई। ये बेचारा हर जगह जूते उठा लेता, बाद में बेचारे को समझ नहीं आती है बाप इसका कहता नहीं। ये एयर जॉर्डन की कॉपी बनी हुई है, चेक करो जरा, अच्छा बना सर सर। फिर यही ले लो, कोई नहीं साल देखो बे, इतनी जबरदस्त है ये, मौसम है बकवास बकवास। ये प्यारा लग रहा है मगर अब ये भी नहीं ले रही, तो प्यारा लग रहा था। हाँ ये तो बेचारा कह रहा है कोई ले दे, से ले दो प्रभु ले देंगे। ओह माय गॉड ये बड़ी प्यारी लग रही है जूती, और मैंने एक ले लिए, इसी जूते से पीट देगा मुझे लगा बंदा। हमको आती है कि नहीं आती? बहुत खुली है। ये दोनों बहन भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तबाहियाँ फेर रहे हैं। उठा के लाओ मुस्तफा इसको, मुस्तफा तकदीर को उठा के लेकर आ। बीहा का तो मैं इलाज करती हूँ घर पे जाके, इसने मुझे बहुत सताया हुआ है। उठ जाओ तुम, खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। मतलब हद है, हर फसाद की जड़ ये लड़की है ना। ये वाइट वाला तो ऑसम लग रहा है, और ये जो है ना ये अमी लग रहा है, ये वाला ये कम्फर्टेबल है, ये फ्रेश नहीं है। फिर वही ले लो जिसपे इसका दिल आया। अगर घर पे जाके ना ना पहना तो ये जूतों का हार बना के ना मैं तुमको गली से बाहर निकाल दूंगी, बात याद रखना मेरी। यार ये लड़की क्या कर रही है, मैं नहीं दिला रही तुमको, तुम्हारे पास हैं जूते, चलो निकलो। नहीं है। डन है फिर? ये सही है, जल्दी कर लो, तुम्हारे चक्कर में मैं नन्हे मियां का नंगा पुंगा लेके जाऊंगी बारात में। हमारे सर्विस वाले ये 20 रुपए का देते हैं कस्टमर को, ठीक है जूता लो और 20 रुपए इसकी भी दे दे शॉपिंग बैग के लिए। आज महंगाई है ना, जोगन हो गई बेचारी जूतों के कम में। इनका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, और ये अपना मन ही मन में मुझे कोस तो नहीं रह गई। अबे कोस नहीं रहा, बोलो चलो बहुत हो गया, इतने खर्चा काफी है। नन्हे मियाँ का मैंने सूट लेना है, और नन्हे मियाँ का सूट लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। नो हम तो खाना खिलवाए बगैर घर नहीं जाएंगे। ये देखो ओ ये लो, वो तो पीटने शुरू हो गई अल्लाह की बंदी। शी इज अ ड्रामेबाज पर्सन, ये रो रही है मेरी बच्ची, ये कह रही है मुझे दिला के दें आप। जबान आ गई है, कहाँ आ गई है जबान, दिखाओ, आ करो आ करो मेरा बच्चा। अच्छा और रो नहीं, मैं तुम्हें दिला देती हूँ। अब आखिरकार मैंने यही सोचा है कि मैं इसको जूता दिला दूँ, नहीं तो ये मुझे घर जाके भी नहीं बख्शेंगी। क्यों जी, अब ये पापा साहब इनके बोल नहीं रहे, वैसे हद है। पापा साहब बोलते नहीं है, अपनी बेटी के टाइम तो बिल्कुल नहीं बोलते, इनके मुँह में दही जम जाती है।
गजब बेइज्जती है। चलो जाओ जाओ दौड़ के जाओ अपने अब्बा को बताओ कौन सा जूता लेना है। हरी अब हरी अब जूता चाहिए तो दौड़ो दौड़ो जल्दी, मैंने फिर उसके कपड़े भी लेने, भागो जल्दी भागो। ड्रामा जो है वो चल गया हुआ है। मैं तो कह रही हूँ यही वाला ले लो, ये तुम कंफर्टेबल हो गए स्कूल भी पहन लेती हूँ। हाँ ये वाला ले लो, ये रंग बिरंगे ले जाएगी और पहनेगी भी नहीं। बताओ कौन मैंने तो जूतियों में इतना तंग नहीं किया था जितना तुम्हारी लात तंग कर दी। हम पर डाल लो आप यहाँ पे आके बेंच पे बैठ लो ना, वहीं पे बैठ जाती हो। जमीन से बहुत मोहब्बत है मेरी बेटी। 2000 years later. तो आप बताओ कौन से अच्छे लग रहे हैं, ब्लू वाले ना? लो जी अकड़ बकड़ के चक्कर में नहीं पड़ते हो, तक्की को पकड़ना वो नए चक्करों में जा रहा है भाई। वो वाला क्यों करवा रहे हो, वो वाला अच्छा नहीं लग रहा जरा, लग रहा है बड़ों वाला लग रहा है, लौंडों वाला लग रहा है जो आप ले रहे हो। अच्छा हमको सिखा रही है कि ये लेने क्या अच्छा क्या रहे हो, कहना क्या चाहती हो हैं? हेलो सो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना अपनी अच्छी अच्छी राय से हमें आगाह करना, ठीक है? और फिर मुलाकात होती है, बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है? टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।